सफलता की कहानियाँ तो बहुत सुनी होगी आपने, आज मैं आपको एक असफलता की कहानी बताता हूँ, वो भी मेरी। बात 2016 की है। एक वैकेंसी निकली मेप आईटी की, हमने उसका फॉर्म भरा, एग्ज़ाम हुई। एग्ज़ाम में मैथ्स, रीजनिंग और कंप्यूटर तीन सेक्शन के क्वेश्चंस थे। 100 में से 98 मार्क्स आए। हमको लगा कि ज़रूर मनचाही पोस्टिंग मिल जाएगी, पर देखिए क्या हुआ। पोस्टिंग के पहले एक इंटरव्यू प्रोसेस थी और इंटरव्यू होना था कंप्यूटर पे, कंप्यूटर नॉलेज पे। और हम ये सोच रहे थे कि कंप्यूटर का तो अपन को खूब नॉलेज है, हमने तो आईटी से बी किया है, फिर एमटेक किया है, इसलिए हमने कंप्यूटर कोई प्रिपरेशन इंटरव्यू की नहीं, और बिना प्रिपरेशन के हम इंटरव्यू देने पहुंच गए। अब इंटरव्यू में हमसे 2-4 सवालों के अलावा कोई सवाल नहीं बने। अब ये हुआ कि जब इंटरव्यू के जब रिज़ल्ट आए तो हमें 50 में से 17.5 नंबर आए, और टोटल हमारे जो 98 मार्क्स थे उसमें 17.5 नंबर जुड़ के हमारे जो मार्क्स हैं वो 114 पॉइंट समथिंग कुछ आसपास हो गए, और 42 पोस्ट में हमारी जो रैंकिंग है वो बहुत पीछे हो गई, जिससे जहां हम पोस्टिंग चाहते थे, जब काउंसलिंग प्रोसेस शुरू हुई, जब हमारा नंबर आया तो सारी सीटें भर चुकी थी, कुछ गिनी चुनी सीटें बची हुई थी, और मजबूरी में हमको शाहजहाँपुर में पोस्टिंग लेनी पड़ी। शाहजहाँपुर में पोस्टिंग हमको जमी नहीं और हमने अच्छी भली नौकरी छोड़ दी। तो इसलिए कहते हैं कि अगर ओवर कॉन्फिडेंस अगर ज़रा भी है आपको, तो ओवर कॉन्फिडेंस आपको कब नुकसान पहुंचाएगा, कैसे नुकसान पहुंचाएगा, कोई नहीं जानता। तो अपनी पढ़ाई को रेगुलर प्रोसेस में जारी रखना आपका काम है। आपको कोई चैप्टर कितना ही अच्छा आता हो, कितना ही आपको उस पर कॉन्फिडेंस हो, ओवर कॉन्फिडेंस कभी नहीं होना चाहिए। हर बार हमारी तैयारी जो है वो रेगुलर प्रोसेस में होनी चाहिए। अगर हमारी एग्ज़ाम है तो हमें पढ़ना चाहिए। और ये मेरी कहानी आपको मैंने इसलिए बताई क्योंकि शायद आपको इस कहानी से ये सीखने को मिले कि रेगुलर पढ़ाई और एग्ज़ाम के टाइम पे डेली प्रैक्टिस कितनी ज़रूरी है। थैंक यू।